हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों की डिमांड पर ये कान्हा जी का ब्लैंकेट बनाकर लाई हूँ। ये 4 से लेकर 8 नंबर तक के कान्हा जी का है। आप इसमें अगर चाहती हैं ऊपर से तो आप यहाँ पर कुछ भी सजावटी के तौर पर डाल सकती हैं, या फ्लावर्स हैं या मोती हैं, जो भी आप डालना चाहती हैं वो डाल सकती हैं आप। ये इस तरह का है, यहाँ पॉकेट नुमा है और इसका उल्टा तरफ में इस तरह से है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। ये हम 4 प्लाई के ऊन से बनाए हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम इस तरह से चेन ले लेंगे, 20 चेन रहेगा। ये 20 चेन ले लेने के बाद में दो और हम चेन लेंगे, एक दो, फिर फंदे लेंगे और ये तीसरा चेन में हुक को डालकर हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब जितने भी यहाँ बचे हुए हैं चेन, सबों में हम डबल क्रोशिया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे। अगर आप छोटे कान्हा जी का चाहते हैं तो चेन की संख्या कम कर लें। ये बिल्कुल ही सिंपल ढंग से बुना हुआ है। इसमें अगर आप चाहती हैं बीच में मोती भी लगाते जाना बुनते हुए तो भी लगा सकती हैं आप। मैं फिर कभी आपको इसमें मोती लगाकर बताऊंगी, अभी मैं बिल्कुल प्लेन बता रही हूँ क्योंकि प्लेन का डिमांड आया हुआ था, इसलिए बिल्कुल प्लेन बता रहे हैं। अगली बार जब बताएंगे तो हम मोती पिरो कर बताएंगे। ये अब देखिए, अब हमारे पास एक चेन बचा हुआ है, एक चेन बचा हुआ है तो यहाँ एक चेन से हमें कितना डबल क्रोशिया करना है। ये रहा एक डबल क्रोशिया, ये दो, एक ही चेन से हम इस वक्त कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा चेन बच जाएगा उससे हम डबल क्रोशिया कितनी बार करेंगे, एक हो चुका है, दो, ये रहा तीसरा, ये चार, ये पांच, एक ही चेन से 5 डबल क्रोशिया तक इस वक्त हम किए हुए हैं। पांच और एक कर लेंगे, ये हो गया 6। 6 डबल क्रोशिया करने के बाद में अब हम इधर इसे घुमा लेंगे। घुमाकर हम आगे जिस चेन से हम 1 डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक बुने हैं उसका एक भाग यहाँ पर है, हम उसी में हुक को डालेंगे बीच में और डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे। इस तरह से ये यहाँ पर हुक को डालेंगे और हम डबल क्रोशिया करेंगे। करते हुए हम पूरा इसे लास्ट तक बुनते चले जाएंगे, फिर कलर इसमें चेंज हो जाएगा। ऊन को हम तोड़ेंगे नहीं, ऊन इसी में लगा रहने देंगे क्योंकि हमें कलर चेंज करते हुए बनाना है।
ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। 20 चेन लेने के बाद में ये डबल क्रोशिया हम करना शुरू किए। डबल क्रोशिया करते हुए जब हम लास्ट चेन पे आए हैं, तो वहाँ हमें देखिए, वहाँ हम कितना डबल क्रोशिया किए, 1 2 3 4 5 6, 6 डबल क्रोशिया हम उस स्थान पे किए हुए हैं। 6 डबल क्रोशिया करने के बाद में फिर हम यहाँ से वापस चले गए और एक चेन से 1 डबल क्रोशिया जो किए हुए थे उसी पे हम फिर से डबल क्रोशिया करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से ये 2 राउंड में बनकर तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर कलर चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर कलर चेंज कर देने के बाद में देखिए, हम यहाँ जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद एक चेन लेंगे, 2 लेंगे 3 लेंगे। अब डबल क्रोशिया हम बनाना शुरू करेंगे। प्रत्येक चेन से एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम कुछ दूरी तक बनाएंगे इसे। एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, इसे हम कितनी दूरी तक तय करेंगे, यहाँ तक से हम यहाँ इस स्थान तक हम इसे बुनेंगे। इस स्थान से हम यहाँ पर एक चेन से 6 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, तो उसके पहले तक ही हम इसे बुनेंगे। ये हो गया। ये अगर आप गिनेंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी जो हम चेन लिए हुए थे 20 चेन, वो टोटल 20 चेन हम इस वक्त इसमें बुन लिए हैं। अब बुनने के बाद में अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है, क्योंकि हमें गोलाई लाना है, इसलिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया, एक और हम करेंगे, हो गया 2 डबल क्रोशिया। देख सकती हैं, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए हम 6, जो हम स्टार्टिंग में बढ़ाए थे 6 डबल क्रोशिया किए थे, 6 डबल क्रोशिया में हम इसी तरह बुन लेंगे। 1 2 3 4 और 2 में हम बुनेंगे। एक और एक में एक चेन से 2 डबल क्रोशिया रहेगा, यानी कि 6 डबल क्रोशिया हम यहाँ डबल डबल बुने हुए हैं। इसके बाद हमारा इधर बचा 20 चेन। हम 20 चेन जो बनाए हुए थे, वो 20 चेन हमारा बचा जिसे कि हम बुन लेंगे। एक चेन से 1 डबल क्रोशिया मात्र, हमें फंदे को सिर्फ इसी स्थान पे बढ़ाना है हमें। इसे बुनते हुए हम लास्ट तक लाएंगे और तीसरा राउंड, यानी कि ये अगर इसे हम देखें, एक राउंड इसे हम गिने, दोनों को मिलाकर एक और एक ये एक गिने, तो ये दूसरा राउंड हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा तीसरा राउंड हो जाएगा। इसे हम लास्ट तक बुनेंगे।
अब हम फिर वाइट कलर से बुनेंगे। अब हम इस तरफ इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद में अगला हमें वाइट कलर से बुनना है। तो वाइट कलर से बुनने के लिए देखिए हमें क्या करना है, हुक को हमें इस जगह पे ले जाना है और ये जो वाइट कलर का फंदा था उसे हमें यहाँ लाकर बुनना है इस तरह से। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब फिर से हमें भी उसी प्रक्रिया को करना है, डबल क्रोशिया, 1 चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें कुछ दूरी तय करना है। हम यहाँ तक बुन लेंगे, इस स्थान तक बुन लेंगे। इसके ये छः, इस स्थान पे 6 बढ़ा हुआ फंदा है हमारा, डबल क्रोशिया बढ़ा हुआ है, ठीक इसके ही सामने से यहाँ से लेंगे हम यहाँ तक, बिल्कुल प्लेन एक डबल क्रोशिया से, एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब हम उस जगह पे चले आए हैं, यानी कि 20 से हम कुछ आगे बढ़े हैं, एक फंदा आगे बढ़े हैं। अगर आप गिनेंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 21 फंदे हम बुन चुके हैं। 21 बुनने के बाद में हम अगला यहाँ स्टार्ट करेंगे जिसमें कि डबल रहेगा, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया रहेगा। ये हो गया। अब हम फिर एक चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए, इसके बाद वाला एक चेन से एक डबल क्रोशिया किए। अब हम फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक और ये रहा एक। फिर हमें एक चेन से एक डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। अगर आप चाहती हैं तो दूसरा लाइन में, यानी ये तीसरा लाइन चल रहा है, तो तीसरा लाइन में आप दो दो डबल क्रोशिया कर सकती हैं। हमें ठीक इसके सामने यहाँ तक, यानी कि दो दो चेन अभी और हमें बुनना बाकी है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हो गया ये चीज। अब हम जितना भी हमारे पास यहाँ चेन बचा हुआ है सबों को हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया करते हुए बुनकर इस लाइन को ख़त्म करेंगे। फिर हमें ग्रीन से बुनना है। ग्रीन से भी बिल्कुल हम सेम तरीके से बुन लेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हमें कितना लाइन कंप्लीट करना है, ये हो गया 1 2 3। यानी कि अगर आप ग्रीन कलर गिनेंगी तो 1 2 3, तीन ग्रीन कलर आप 3 लाइन में बुनकर इसे कंप्लीट करें। यहाँ जो हम बताए हुए हैं, इस स्थान पे जो हम बताएं, यहाँ पर बढ़ाने का फंदे बढ़ाने का तरीका, वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब आप जब अगली बार आएंगी तो 21 के स्थान पर आप 22 फंदे, 22 डबल क्रोशिया कर लेंगी। इसके बाद इस तरह से बनाना शुरू करेंगी और फिर लास्ट इधर बचा हुआ 22 इसी तरह बुन देंगी। फिर आप आएंगी वाइट कलर से तो सेम चीज़ हम बुनते हुए चले जाएंगे, जिसमें कि ग्रीन हमारा लाइनिंग रहेगा 3, और ये ग्रीन लाइन 3 कलर का बनाने के बाद में, 3 लाइन बनाने के बाद में, 1 2 3 ये बनाने के बाद में हम इसे बंद कर देंगे और एक और इस तरह का बना लेंगे पीछे के लिए। दो ये चीज़ डबल बनता है तो हम एक बनाएंगे, एक और बनाकर रख लेंगे। ये 2 पार्ट में तैयार कर चुके हैं। ये 2 भाग में बन जाने के बाद में
अब हम देखिए, एक भाग को रख देंगे और दूसरी भाग को लेंगे और यहाँ पर बीच से, ठीक बीचों बीच से इस जगह पे हम, बीचों बीच में इस जगह पे हम धागा को जोड़ लेंगे, यानी ऊन को जोड़ेंगे। एक दो तीन, तीन चेन ले लेंगे। इसके बाद इस जगह पर, यहाँ से यहाँ जो हाफ है, यहाँ इस जगह पे हम हुक को डालेंगे और इसे इस तरह से निकालते हुए यहाँ बंद करेंगे। फिर हम फंदे लेंगे। फंदे लेकर हमें इस स्थान से डबल क्रोशिया करना है। एक दो तीन चार पाँच एक छः, छः डबल क्रोशिया हम कर लिए। अब हमें इसे इस तरफ हम जोड़ चुके थे, इस तरफ हमें जोड़ना है, तो इसके लिए हम इसे इस तरह से लाकर यहाँ बंद कर देंगे। अब इसके बाद हमें अब दूसरा कलर यूज करना है, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर को भी हम, अभी हम ये चीज़ बना रहे हैं, ग्रीन कलर को यहाँ से जोड़ेंगे इस स्थान से, यहाँ पर जोड़ देने के बाद में फंदे लेंगे। इस तरह फंदे लेकर यहाँ से हम डबल क्रोशिया करना शुरू करेंगे। एक, और इसी स्थान पे एक और डबल क्रोशिया, दो दो डबल क्रोशिया हो गया। अब हम प्रत्येक में एक एक बार डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे, एक चेन से एक डबल क्रोशिया। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया करेंगे, वरना एक चेन से सिर्फ एक डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे कि यहाँ बीचों बीच में, बीचों बीच में हमें दो डबल क्रोशिया, एक चेन से दो डबल क्रोशिया कर लेना है। अब हम इस जगह पे लास्ट पे पहुँच गए हैं, तो लास्ट पे हमें यहाँ एक चेन से दो डबल क्रोशिया करना है। ये रहा एक, और इसी स्थान से एक और, दो। अब इसे यहाँ लाकर हम बंद कर देंगे। एक दो, दो चेन लगा कर यहाँ छोड़ देंगे ताकि ये खुले ना। देखिए आप, यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया किए और ठीक बीचों बीच में दो डबल क्रोशिया किए, एक चेन से और लास्ट में किए। अब इसी तरह हमें फिर से वाइट कलर का ऊन से इसी तरह करना है, तो हम इसे घुमा लेंगे और पलटने के बाद में इस जगह पे हम इस तरह से यहाँ इसे लाकर जोड़ें। फिर हम एक दो तीन, तीन चेन ले लेंगे। तीन चेन लेने के बाद इस जगह पर लाकर हम इसे जोड़ देंगे। फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद लास्ट में, यानी स्टार्टिंग लास्ट और बीच में एक चेन से दो डबल क्रोशिया करना रहता है, तो हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया करेंगे। एक और एक दो। इसके बाद हमें प्रत्येक में एक एक डबल क्रोशिया करते चले जाना है। एक एक हमें यहाँ पर एक चेन से दो डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया करना है। अब इसके बाद हमें लास्ट तक बीनते हुए चले जाना है, एक चेन से एक डबल क्रोशिया। अब हमें लास्ट में एक चेन से दो डबल क्रोशिया करना है। ये एक,
एक और करेंगे हम, अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ देंगे, दो चेन दे देंगे ताकि ऊन खुले ना, ये हो गया। अब फिर अगला हमें इस कलर से करना है, तो इस कलर से भी करते हुए हमें इसी तरह एक बार ग्रीन फिर से करना है, फिर वाइट, फिर ग्रीन, ये तीनों करते हुए हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है इस तरह से। जैसे कि यहाँ एक किए, यहाँ है, अगर आपको लग रहा है कि ये दो दो देने का अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रहा है तो देखिए यहाँ पर हम दिए हुए हैं, एक चेन से दो, फिर एक चेन से दो, फिर एक, जैसे जैसे ये बढ़ता है, ज़रूरत महसूस होता है तो आदमी यहाँ पर देना पड़ता है। तो आप इस तरह से भी डाल सकती हैं, यहाँ देखिए मैं बीच में सिर्फ दो दी और दोनों किनारे में एक एक दी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको है दो डबल क्रोशिया एक चेन से, फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया, आप इस तरह से भी दे सकती हैं। अगर आप इस तरह से देंगी तो इसका आकृति ऐसा बनकर नजर आएगा। मैं दोनों तरह से आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग दोनों तरह से जान जाएं। तो सबसे पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये बनकर तैयार हो गया। इसमें यहाँ तक आने के बाद तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा लाइन कंप्लीट होने के बाद में जो हम फोर्थ लाइन में आए हैं, तब हमें एक बीच करके एक चेन से एक, उसके बाद एक चेन से दो डबल क्रोशिया, एक से एक, एक से दो, इस तरह से करते हुए हम इसे कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ये इसे यहाँ पर मिलाकर इस तरह से हमें जोड़ देना है। अब जोड़ने का तरीका इस तरह से है, धागा तो हमारा यानी ऊन तो पहले से ही यहाँ पर लगा हुआ है। जहाँ ज्वाइंट है उस जगह पर और ये दोनों को मिलाते हुए हमें करना है। ये ज्वाइंट है, देखिए यहाँ पर ज्वाइंट है और इसके बाद ये यहाँ पर, इस तरह से मिलाते हुए हमें इसे वाइट कलर का जो ऊन है, आप जिस कलर से देना चाह रही हैं, हम इसमें वाइट कलर से दिए क्योंकि ग्रीन इसका किनारे में पड़ा है, इसलिए वाइट कलर से दे रहे हैं। इस तरह से ऊन को यहाँ ले आए हम। यहाँ ले आने के बाद में दोनों को मिलाते हुए हमें बुनते चले जाना है। इसी स्थान से हम तीन डबल क्रोशिया करेंगे, एक, दो और ये रहा तीन, तीन डबल क्रोशिया कर लिए। अब इसके बाद तीन, एक दो तीन, तीन के बाद यहाँ लाकर इसे हम बंद कर देंगे इस तरह से। इस तरह से करते हुए हमें पूरा गोलाई बिनकर कंप्लीट कर लेना है। इसी स्थान से हम एक, दो और ये तीन, दोनों भाग को मिलाते हुए हमें बुनना है। इसके बाद तीन डबल क्रोशिया के बाद फोर्थ में लाकर इसे बंद कर देंगे, तो ये इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है। दो और एक, ये रहा तीन, तीन के बाद तीन, तीन डबल क्रोशिया छोड़कर फोर्थ में हम इसे लाकर बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे मिलाकर, बिल्कुल मिलाकर बनाएंगे इसे, मिलाते हुए यहाँ से लाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ तक जब हमारा आ जाएगा, इसे हम इस तरह से मिलाकर यहाँ बुनेंगे। इसके बाद हम एक को, सिर्फ एक रह जाएगा जब हमारे पास, तो एक में भी हम उसी तरह बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। और इस जगह पे, अगर आप इस जगह पे चाहती हैं वाइट कलर से देना तो आप वाइट कलर से दें, अगर आप ग्रीन से चाहती हैं तो ग्रीन से दें। मैं इसमें वाइट कलर से दी हूँ इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर से दूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से लाकर यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिए, यहाँ से बनाकर लाए यहाँ तक किए। अब वाइट कलर से ही इसे हमें यहाँ से यहाँ तक भी करना है, लेकिन उससे पहले हम ग्रीन कलर यहाँ पर डालेंगे बीचों बीच में। यहाँ हम उनको जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद सेम तरीके से एक डबल क्रोशिया,
दो डबल क्रोशिया और तीन डबल क्रोशिया। ये तीन डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर लाकर इसे इस तरह से बंद कर दिए। एक चेन लेंगे, फिर हम तीन डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया, दो, और ये रहा तीन। तीन हो गया। अब फिर इसे हम लाकर यहाँ पर बंद करेंगे। इस तरह से करते हुए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक, दो, तीन। तीन के बाद यहाँ लाकर बंद करेंगे इस तरह से। इस तरह से करते हुए यहाँ से यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक। इसके बाद हम धागे को हटा लेंगे, यानी ऊन को हम हटा लेंगे। आप अगर चाहती हैं वाइट से देना तो वाइट से दे सकती हैं। और देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे हम लास्ट दोनों को मिलाते हुए यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। अब हमें फिर इसे इस तरह से बुनना है। एक, दो, तीन। तीन हो गया। अब यहाँ एक, दो, तीन, तीन छोड़कर यहाँ पर हम लाकर इसे बंद कर दिए। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे हम। एक, दो, तीन। फिर तीन डबल क्रोशिया बीच करके हम इसे जोड़ देंगे यहाँ पर। फिर एक चेन लेंगे, फिर बनाते हुए, यानी इसी तरह से करते हुए हमें यहाँ तक भी कंप्लीट कर लेना है। जब आप पूरा इसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये इस तरह का बनकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ हम यहाँ पर ग्रीन दिए हुए हैं, अंतर सिर्फ इसी चीज़ का है। बाकी टोटल हम सेम बताए हुए हैं। इस जगह पे हम आपको दो तरीका बताएं, एक, दो, तीन, तीन लाइन में दो तरीका बताएं, यहाँ एक अलग तरीका बताएं और इसमें अलग तरीका है। तो इस तरह से ये आपके कान्हाजी का तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।